हाय गाइस, हमारे सर्वर का एक नया सुहाना सा दिन और हम निकल चुके थे अपने काम पर। और काम तो आपको पता ही गाइस कि अपना क्या है। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलो, अभी आपका भाई किसी तरह हार्वर्ड चलता है। मैंने सोचा यार, बहुत दिनों से हम हार्वर्ड नहीं गए, चलो देख के आते हार्वर्ड में सब चीज़ ठीक है या नहीं। और कुछ अगर लूट मिली तो सब लूट पाट के आ जाएंगे वहाँ से अपना काम करके। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखो, जिसे पता नहीं कि यहाँ पे ऑयल रिफाइनर कहाँ होता है, तो देखो इस साइड है इसका ऑयल रिफाइनर। और जो आगे में जो रूम है, यहाँ पे पहले मैं रूम चेकआउट कर लेता हूँ कि शायद रूम में कुछ है कि नहीं। तो फिर मेरे मन में यार एक बात आई, भाई ये जोम्बी मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार, इस जोम्बी को और कोई काम नहीं है क्या? चलो कोई ना, ये जोम्बी को पहले ख़त्म करते हैं। एक मिनट यार, दो दो जोम्बी थे, कितना गंदा भाई। मतलब जो हम हरी हरी मतलब लेके आए थे अपनी हेल्थ, उसे इन्होंने पीली पीली कर दी। चलो कोई ना यार, सबसे पहले मैं थोड़ी सी हेल्थ ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम डाल देंगे। ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे गोलियाँ चल रही है, आपको पता चल गया होगा गाइस। कोई ना भाई, अपने पास भी गन है। और देखे भाई, हमारे मतलब इस सुहाने दिन को कौन ख़राब कर रहा है? तो एक जोंबी दरवा गई, ये रहा वो बंदा। भाई ये मेरे पे अटैक कर रहा बंदा, ये तो गलत बात है यार। क्या नाम है? बॉट स्केयर। भाई जब बोट से तुम डर जाते हो तो भाई तुम हमसे क्यों पंगा लेते हो यार? बोट से डरने वाले बंदे भी मेरे से पंगे ले रहे यार, ये तो गलत बात है भाई। एक तो इसको, तो इसको किल करने से ना गाइस आपको एनर्जी और वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो ऐसे को जरूर से किल करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अभी देखो, अभी आपके भाई के पास आ चुकी है एक फेमस फ्री फंड का, एक फेमस आ गया है भाई, मज़ा आ गया भाई, जो भी बोलो। अभी चलो, अभी एक काम करते हैं, वो बंदा तो शायद आएगा नहीं, इसकी स्कूटी भी अब हमारी हुई। और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, वायर डाल के आता हूँ, एक बार पहले देख लूँ क्या बाहर में। नहीं नहीं, पहले रूम को ओपन करते हैं। देखे रूम में एक एमओ चेस्ट है सिर्फ भाई, सिर्फ ये देखो, एक ओनली वन एमओ चेस्ट है। आई थिंक ये ऑलरेडी लूटेड होगी, ठीक है, अभी जस्ट स्पॉन हुआ है। यहाँ पे मेरे बैग, यार क्या बोलूँ भाई, मेरा बैग तो कभी जब मन तब भर जाता है यार। एक मिनट, इसको भी किली कर देता हूँ, इससे भी देखो कुछ चीज़ें मिलती है अपने को। ये देखो भाई क्या, ओ भाई लूट तो अच्छी मिल गई यार, इसे एनर्जी बुलेट भी चाहिए मेरे को। ऐसे पता नहीं इसका क्या यूज होगा, लेकिन मेरे को चाहिए बस। एक मिनट, वो कैसे उठाऊँ? हाँ चलो, अब मतलब स्पेस बना दिया मैंने उठाने के लिए। ओके गाइस, अभी हम फटाफट से इसमें वायर डालते हैं, अब फिर हम चलते हैं अपने रूम पर, देखते हैं वहाँ पे और भी शायद डब्बे स्पॉन हुए होंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो भाई, बैटल जेट में एनके करके आ गया, क्या बोल रहा पता नहीं एनके भाई। चलो अभी हम बैटल जेट को छोड़ते हैं, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ यार कि मतलब कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं वो बंदा दोबारा ना आ जाए अपनी लूट वगैरह लेने के लिए। ऐसे तो उस बंदे के पास कुछ था नहीं, एक फेमस ही तो मेरे को मिली है सिर्फ, और तो कुछ मिला भी नहीं। ओके, एक रेड डॉट मिल गई, बड़ी काम की चीज़ है भाई रेड डॉट। ओ भाई चेचिस भी सही है, और क्या है भाई, और कुछ खास है नहीं। चलो अभी यहाँ पे हमने अपना रूम तो अच्छे से लूट लिया था, अब मुझे कहाँ पता था भाई कि वो बंदा आ जाएगा दोबारा से। अभी मैं जब देखता हूँ तो बाहर में मेरे को फिर से कुछ मतलब गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है, और मुझे पता चल जाता है भाई कि वो बंदा दोबारा से आ चुका है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं SMG को सही से लगा लेता हूँ, अभी वो बंदा बाहर ही है। एक मिनट, हम चलो हम देखते बाहर, यहाँ पर तो कुछ भी लूट अपने को बची नहीं थी, जो भी था मैंने उठा ही लिया था, जो भी जरूरी लूट थी। चलो अभी हम देखते बाहर में, ये देखो भाई, ये देखो बंदा, मैं बोला ना बाहर मेरे को लगा था भाई कि कोई बंदा तो है, लेकिन ये बंदा वही है। कोई ना बच्चे, मैं तेरे को इधर से देख रहा हूँ। ओ भाई ये शायद इस SMG ले के आया बेचारा। वेट वेट वेट, इसको मैं फिर से मारूंगा, रुको। एक पड़ी, ये भी ले, बेचारे की हालत ख़राब है ऐसे। फिर ये बंदा को जब मैं मारता हूँ गाइस, तो ये मेरे को नूब लिखता है, और क्या लिखता है भाई, छपरी यूट्यूबर। भाई मैं कोई नाच नहीं रहा भाई, जो छपरी हो गया भाई, मतलब जो डांस वांस करते हैं ना उसे ही लोग ज़्यादा छपरी बोलते हैं। तो देखो भाई, यहाँ मैं कोई डांस तो दिखा नहीं रहा आपको गाना पे, जो भी हो इसे छोड़ते, बेचारा खुद नूबड़ा बंदा खुद मेरे को नूब बोल रहा था, दो दो बार खुद ही किल हुआ और मेरे को नूब बोलता है भाई। चलो कोई ना, हो जाते हैं, मतलब जब आप किसी को किल करते हो ना, जैसे मैंने उसके डायरेक्ट हेडशॉट मार दिया था, तो इसलिए उसकी जो मानसिक संतुलन थी वो बिगड़ चुकी थी, तो इसलिए वो बंदा मेरे को नूबड़ा बोल रहा था। चलो अभी रहने दो, अरे वो भी तो क्या फर्क पड़ता है भाई सही बात है ना, अपन नूब है तो क्या दिक्कत है। चलो अभी यहाँ पे एक जो अपना डॉगी था उसको तो मैंने सुला दिया, अभी यहाँ पे देखते हैं भाई। ओ भाई हंटर, हंटर मेरा पीछा मत करो,
मेरा पीछा करोगे तब तुम किल हो जाओगे। हंटर हंटर को भी मैंने गन चक्कर कर दिया भाई, तीन सिर्फ तीन स्पेयर मिले भाई हंटर से। ये गन पता नहीं यार किस काम की आती, मेरे को पता ही नहीं था इसलिए मैं उठाया ही नहीं। यहाँ पे एमओ चेस्ट हुआ करते भाई लेकिन मेरे लिए है ही नहीं। बंदा भाई बंदा बंदा बंदा, वेट 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 वेट, ये क्या भाई कंटेनर के आर पार बुलेट आ रही है। रुक जा तेरी भूत की, देखो 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 जब मैं इसे स्लो मोशन करा, देख लो भाई कंटेनर के आर पार बुलेट आ रही है बंदे की, ये देखो भाई। मैंने एकदम फटाक से इसको रिपोर्ट करूंगा भाई, जब छोड़ने की कोई बात ही नहीं है इसको। रुक जा, मेरा इतना सारा सामान इसने लॉस कर दिया, देख लो भाई कितना सारी चीज़ें M762 वगैरह सब लॉस कर दी इसने। इसकी भूत की क्या नाम है, रोल O0E। चलो इसको पहले मैं बताता हूँ। देखो जब भी आप हैकर को बैन करवाना चाहते हो तो इसको सबसे पहले तो हैकर जरूर लिखना, फिर यहाँ पे जिस कारण से आपको लगा है कि हाँ ये कारण है इसको, मतलब इसने मेरे को इस तरह किल करा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ हैकर बुलेट थ्रू फ्रॉम कंटेनर, कंटेनर सही लिखा ना भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, पता नहीं यार कैसे लिखते हैं यार। चलो हाँ ठीक है, मेरा फ़ोन खुद ब खुद मीनिंग दे दिया। प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, ठीक है ना। हाँ एक मिनट यार, सब ओके है तो ले हेल्प, हेल्प ज़्यादा हो जाएगा यार छोड़ दो। नहीं प्लीज हेल्प तक ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं लिखते है। देखते हैं इतने से बैन होता है कि नहीं, कि कुछ और भी करना पड़ता है। मैं मतलब फर्स्ट टाइम किसी हैकर पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसने मेरे M762, देखो इतनी सारी मेहनत मैंने करी थी यार, इतना मेरा सुहाना दिन था भाई। ओके गाइस, नेक्स्ट डे मेरे को ये रिपोर्ट आ जाता है तो अब दिल खुश हो जाता है, तो फिर से मैं दोबारा आ जाता हूँ गेम में। ऐसे मैंने उस दिन मतलब वो जब मैं उसे किल हुआ था तो फिर गेम मैंने छोड़ दिया था, तो अभी आ जाती है गाइस एक ड्रॉप। तो आपके मतलब जो भाई है ये सोचता भाई क्यों ना आज ड्रॉप पे चला जाए भाई, अपने कुछ बंदे भी ऑन है तो ये लोग बोले कि चलो हाँ ठीक है इनके भाई आज चलते हैं ड्रॉप पे, देखते हैं लूट पाते हैं कि नहीं। मैं बोला भाई ड्रॉप पे जाएंगे तो लूटेंगे तो जरूर यार, ऐसी बात कैसे बोल दिया आपने कि लूट पाएंगे कि नहीं, तो चलो चलते देख लो। आपके भाई ने फुल तैयारी कर ली अभी, लेकिन आपके भाई ने एक चीज़ मिस कर दी भाई, लेकिन है तो सारी चीज़ें है, अब पता नहीं यार क्या मिस कर दी, मतलब लग रहा कुछ कमी है अपने पास, कुछ चीज़ों की कमी है, अब क्या है वो मेन चीज़। चलो छोड़ो यार, लग रहा है सिर्फ मन में मेरे को। अभी पहले मेरे को एक बोट मिली है और उन बंदों के पास थी हेली, तो बोले कि मैं हेली से जा रहा हूँ, ठीक है भाई जाओ आप हेली से जाओ, मैं चलता हूँ भाई अपने बोट से। भाई आपका भाई ना मतलब टीम है भाई, लेकिन फिर भी सोलो का सोलो ही रह जाता है भाई हमेशा, क्या ही बोलूँ। जो भी हो अभी चलो, अभी हम फटाफट से चलते हैं सीधा ड्रॉप के पास में। ड्रॉप आई है अपनी मिलिट्री पे, ठीक है, अपने को ये छोटी सी नाव चला के लेके जानी पड़ेगी, जो कि नाव हमारी बहुत ही स्लोली चलती है। और जो अपने बंदे हैं वो तो सीधा हेली से पहुंच भी गए भाई, बोट में तो ऑयल बची नहीं होगी क्योंकि बहुत ही कम थी अपने पास ऑयल। लेकिन जो भी हो आपका भाई फाइनली यहाँ पे मिलिट्री पे पहुँच चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे बंदे तो होंगे जरूर, तो एक बार मैं रिपोर्ट चेक। ओ भाई FFH, इस बंदे के बारे में सारे लोग बोल रहे थे भाई ये हैकर है, तो मैं अगर सीधा डायरेक्ट उधर से आता हूँ मतलब मेन गेट से जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है वो फिर से मेरे को किल कर दे कोई हैकर। ये इस बंदे के बारे में सारे बंदों ने रिपोर्ट करी है गाइस कि हैकर है, मतलब बैटल चैट में ना सब ने मतलब घनचक्कर बना के रख दिया भाई बैटल चैट को, मतलब क्या ही बोलूँ हैकर बोल के इसको। अभी देखते हैं गाइस ये सच्ची में हैकर है ना क्या है, और क्या ये भी हमें किल करता है। एक जो हैकर था उसे तो हमने कल निपटा दिया भाई, आज सुबह सुबह वो निपट गया है। तो अभी मैं मतलब दूसरे साइड से जा रहा हूँ, ये लोग डायरेक्ट गए हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं ये लोग हैकर के चक्कर में ना किल हो जाए। मैं इधर से साइड से जाऊँगा यार, मतलब देखिए हाँ अपने पास है गन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी M4 एकदम फुल मतलब जो बैटल किल बैटल है उसमें अपना नाम आएगा एकदम चमक चमक के, देख लेना भाई। ओके ये रही अपनी ड्रॉप, और वेट में थोड़ा सा अपना हेल्थ वेल्थ ठीक तो है यार, कोई दिक्कत नहीं, हेल्थ थोड़ी सी कम एकदम थोड़ी सी, तो क्यों ना यहाँ पे एक एक हेल्थ की भी ज़रूरत शायद होती है, तो मैं अपनी एक हेल्थ को भी फुल कर लेता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे हैकर है। मेरे को भी मन में थोड़ा सा डर आ रहा है भाई कि हैकर है भाई, कहीं किल विल ना कर दे भाई मेरे को। ओके ओ भाई हैकर ने मेरे एक टीममेट को निपटा दिया है, आप देख सकते हो। अब मेरा एक टीममेट अभी पूछ रहा है कि नीचे आ गया भाई ऑयल रिफाइनर, क्या क्या लिख रहा भाई, आए हैं ड्रॉप लूटने, कर क्या रहा उधर उस साइड में, जो भी है रहने दो उसे। अभी फिलहाल हम खुद ही देखते, ये देखो इसने मेरे एक दूसरे टीममेट ने लिखा ये हैकर है। ओके चलो हम इस हैकर को निपटाते गए।
ये रहा हैगर। ओ भाई देखो मैंने क्या चीज मिस करी थी, वो है एटेक्स स्कोप जो कि मेरे पास थी। ओके पहला किल यहाँ पे आपके भाई ने उस हैकर को दे दिया हेडशॉट, लेकिन ये दोबारा सा ऑन आ जाता है। यहाँ पे आपके भाई ने दोबारा से उसे शॉट दे दिया। अभी देखो ये हैकर तो है गई, ये बंदा हैकर तो है लेकिन बेचारा रहा थोड़ा सा नूब, ठीक है। तो ये हो गया इजी किल, भले ये अगर जमीन के नीचे चला जाता या कुछ तो भाई ये मतलब नहीं किल होता, लेकिन ये बेचारा मुझे देख नहीं पाया इसीलिए हो गया किल। ओ भाई इसके अंदर कैसे आ गया भाई, इसे तो मैंने मारा मतलब उधर। भाई साहब तभी सारे बंदे इसको हैकर बोल रहे थे, और इसका कोई मतलब अच्छा वाला कोई और कोई प्रूफ जिससे ये हैकर है? चलो वेट में चेक कर दो, इसका कुछ ना कुछ तो और प्रूफ होना ही चाहिएगा जी, मतलब ये हैकर है तो ये हो सकता है फिर से दोबारा से आ जाए। भाई ये टीम रिक्वेस्ट भेज रहे, भाई ऐसे तो जो बंदे टीम में वो तो मतलब मर के भाग जा रहे, सीधा बेस पे ये टीम रिक्वेस्ट भेज रहे, सही है। यहाँ पे एक बाइक है, वेट 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 आई चेक, पहले ड्रॉप ओपन हो चुकी है तो मैं पहले ड्रॉप को ओपन उठा लेता हूँ, क्या है ड्रॉप में। ओके C4 यार 10 पॉइंट क्या है भाई, कुछ खास चीज़ें मिली नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती। इस हैकर से भले मेरे को दो दो गन मिल गए। अभी चलो अभी फटाफट से ये देखो भाई, अब एक चीज़ बताओ गाइज कि ये जो बाइक है क्या आप पानी पे चला के ला सकते हो, येस या नो बताना। अगर आपका येस कहना है तो भाई हो सकता है कि वो बंदा हैकर ना हो, अगर नो तो भाई ये रही दूसरी प्रूफ कि ये बंदा हैकर है। मैंने उस बंदे को मारा था सिर्फ ड्रॉप के पास में, अब वो ये जो जाली वाली है बैरियर है उसके आर पार हो गया वो बंदा, ठीक है। तो इससे भी प्रूफ होता है कि ये बंदा हैकर है। यहाँ पे मेरा जो टीममेट था वो किल हुआ, तो यहाँ पे ये देखो उसका भी सामान। भाई क्या है भाई, टीममेट किल हो रहे भाई, ये मैं उनका सामान लेके जा रहा हूँ, सही है यार। कोई ना, यहाँ पे वो हेली छोड़ के गया, ये एक सही काम कर दी भाई इसने। चलो अभी हम फटाफट से हेली में ऑयल भरते हैं और लेके अपनी हेली को सीधा अपने बेस पे चलते हैं। ड्रॉप डॉप ना हो ही गया, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ऑयल भी ज़्यादा डाल देता हूँ। अब मेरा एक जो टीममेट है ये बोल रहा है ड्रॉप कहाँ गया, क्या भाई मैं कैसा मतलब बंदे आ गए भाई मेरे ड्रॉप भाई रहने दो, कोई बात नहीं, आ जा आ जा आ जा भाई बैठ जा, कोई बात नहीं। ड्रॉप ना मतलब गायब हो गया भाई, मेरे को नहीं पता, ठीक है, ड्रॉप गायब हो गया, टेंशन मत ले। यहाँ पे कोई और भी बंदा है यार, मतलब बुलेट की आवाज़ आ रही है। बैठो 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 भाई, ये बार बार पूछ रहा है भाई ड्रॉप कहाँ गया, देख रहे हो बुलेट की आवाज़ आ रही। यहाँ पे आपका भाई एक छोटी सी गड़बड़ कर देता है, वो गड़बड़ ये कि मेरे को हेली कहीं और से घुमा के ले जाना चाहिए था, और आपका भाई देखो एकदम सीधा मेन गेट से निकालता हेली, और देखो इसका नतीजा क्या होता है जी, देख लो मेरी हेली यहाँ पे पूरी विस्फोट हो जाती है, मतलब ये लोग पूरा फोड़ देते हैं। पता नहीं भाई ये हैकर थे या कौन कौन ये लोग थे, लेकिन मुझे पता था यार कि अपनी सारी लूट चली गई। ये देख लो भाई इतनी सारी गन थी मेरे पास, मतलब चार चार एयर गन, एक एयर गन मैं लेके आया था, एक एयर गन मेरे टीममेट की थी, और जो दो गन थी वो मुझे हैकर से मिला था। और भाई मतलब कितनी सारी लूट थी यार, C4 थी, हैंडमेड थी, अब पता नहीं इसमें से क्या बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज़ मेरे को बताना गाइस, वो ये कि मतलब जब आप इस तरह नॉक हो जाते हो तो क्या आप अपने सेफ बॉक्स में क्या चीज़ें नहीं डाल सकते क्या? तो फाइनली यहाँ पे अपना दिन काफ़ी बुरा गया। यहाँ पे पहले तो उस हैकर ने लूटा जो अपने हार्बर में था, सेकेंड इस हैकर ने, और तीसरा जब मैं इधर मतलब फार्मिंग कर रहा था तो मेरे को एक बंदा दिखा भाई, ये देखो ग्लाइडर से जाते हुए, ये कभी बैठ रहा था और कभी उठ गया। अब मेरे को शक हो गया भाई कि ये तो बंदा ही है, लेकिन भाई ये बंदा एक जगह पर खड़ा कैसे रह सकता है, वो भी ग्लाइडर मतलब किसी बंदे का होता है ना ग्लाइडर ग्लिच हो जाता है। मैंने इसे मारने का फुल ट्राई करा अपनी ओर से, लेकिन इस बंदे पे तो भाई गोलियां असर ही नहीं कर रही थी भाई। अगर ऐसे हैक्स आ गए हैं भाई कि मतलब आप उसे गोलियां से मारो और वो बंदा मरे ही ना, वो बंदा एक जगह अपनी मन मर्जी से खड़ा रहे भाई, तो ये तो गेम तो भाई उसी का हो गया ना, मतलब ये थोड़ी ना गेम मतलब किसी और का रहा, दूसरे बंदे तो इस गेम को फिर खेल ही नहीं सकते। तो आई होप कि इस पे मतलब गेम वाले कुछ मतलब देखेंगे कि आखिर अब इस गेम का होगा क्या। फिर मैंने सोचा यार क्यों नहीं एक बार पानी से निकल के मैं उसे किल करूं, शायद उससे कुछ लूट मिल जाए। अब आप मेरे को कमेंट में बताना गाइस ये कोई बंदा था या फिर कोई हैकर था या फिर मतलब ये गेम के बोट थे। जब मैंने यहाँ पर रिपोर्ट चेक करा तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी सारे नाम आए, क्योंकि मैंने उस बंदे का नाम नहीं देख पाया था, तो इसीलिए भाई अब क्या ही बोलूँ, मैं किसी पे रिपोर्ट भी नहीं कर पाया। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।